नमस्कार दोस्तों, कनाडा स्टडी वीजे का ट्रेंड करंटली चल क्या रहा है, कैसे 7-8 बैंड वाले को रिफ्यूज किया जा रहा है और वहीं पे जिसके 3 में 5.5 बैंड है और 1 में 6.5 है, ओवरऑल 6 वाले को प्रूव किया जा रहा है। आपने अगर एप्लीकेशन लगा रखी है कनाडा स्टडी वीजा की, आप रिजल्ट की वेट कर रहे हो, चाहे आप लगाने वाले हो, तो मैं कहूंगा कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको वीडियो का लास्ट तक पता चल जाएगा कि मेरा वीजा आएगा या नहीं आएगा, अगर लगाने जा रहे हो तो आपका वीजा कैसे आएगा। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है जी आपके लिए। और बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप न्यू व्यूअर ऑन दिस यूट्यूब चैनल, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पे आपको डेली इंफॉर्मेटिव एंड इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इमिग्रेशन के मामले में आपको पता चलती रहेंगी। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो, कैनेडा वीजा का ट्रेंड मैं कहूंगा कि जी बहुत ही ज्यादा अच्छा चल रहा है। अब कईयों के लिए वो बेकार भी है जिनके रिफ्यूजल आ जाती है। तो मेन चीज है कि वीजा ट्रेंड है जो अच्छा है, सबके लिए अच्छा है, बट जो एप्लीकेशन एक अनगहली करके या फिर ऐसे ही अपनी एप्लीकेशन लगा देते हैं, उनके लिए वीजा ट्रेंड अच्छा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, वीजा ऑफिसर क्या देखता है स्टडी वीजा में, 3 से 4 चीजें इंपॉर्टेंट देखता है। पहली बात करते हैं जी, आपने एक प्रोग्राम सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, आपने ग्रेजुएशन कर रखी है जहां पे, उसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस भी है। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस वालों के लिए ले लेते हैं, ठीक है, आपने बीबीए कर रखी है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस भी है, तो फिर आप कौन सा प्रोग्राम लोगे? आप कहोगे जी मैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ले लूंगा बिजनेस में। आपने रेलेवेंसी तो देख ली कि आपकी 100% है, आपके माइंड में ये चीज है कि कनाडा में तो जी रेलेवेंट चीज लेनी चाहिए, बट सुपीरियर अगर आप बिजनेस का दोबारा लोगे तो आपका रिजेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि उस प्रोग्राम में जो आप सब्जेक्ट्स पढ़ने जा रहे हो वो आप ऑलरेडी पढ़ रखे हो, या फिर आपने वो चीजें अपनी जॉब में एक्सपीरियंस कर रखी है। वीजा ऑफिसर कहता है कि व्हाट न्यू थिंग्स आर यू स्टडिंग, यू विल बी स्टडिंग इन योर ऑप्टेड प्रोग्राम। कौन सी नई चीजें आप सीखोगे इन योर ऑप्टेड प्रोग्राम? आप आज 25 से 30 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट है जी आपकी स्टडी वीजा की, क्या आप करने जा रहे हो, क्या आप उन सब्जेक्ट्स पे करोगे 25-30 लाख जो आपने ऑलरेडी अपनी बीबीए में पढ़ रखी है, या फिर आपने ऑलरेडी अपने एक्सपीरियंस में एक्सपीरियंस की है वो चीजें? आप अगर न्यू चीजें सीखने जाओगे उन्हीं चीजों पे आप ये चीजें इन्वेस्ट करोगे, ना कि उन सब्जेक्ट्स पे जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखे। मेन पॉइंट, आपने रेलेवेंसी चूज करनी है प्लस सुपीरियरिटी, उसको ध्यान में देना है। आपने सुपीरियर प्रोग्राम चूज करना है, देन योर क्वालिफिकेशन, देन योर एक्सपीरियंस, ठीक है। एक एग्जाम्पल और दे देता हूं आपके लिए मैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कंप्यूटर लाइक आपने मास्टर कर रखी है, ठीक है, मास्टर वालों के लिए आ जाओ। आपने कर रखी है जी एमटेक कर ली कंप्यूटर साइंस में, चलो उसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस भी है एज अ कंप्यूटर एनालिटिक्स जो भी है, ठीक है, डाटा एनालिटिक्स आपके पास एक्सपीरियंस है, तो फिर आप कौन सा प्रोग्राम चूज करो? क्या आप पोस्ट ग्रेजुएट चूज कर लोगे, क्योंकि पीएचडी तो बहुत ही कम लेते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट चूज कर लोगे, आप चूज कर लोगे पोस्ट ग्रेजुएट में, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर सिस्टम एनालिटिक्स, जहां पे कंप्यूटर डाटा एनालिटिक्स, आपका कंप्यूटर के बाद डाटा एनालिटिक्स में अगर आपका एक्सपीरियंस है, आप चूज कर लोगे डाटा एनालिटिक्स का, क्या वीजा आ जाएगा? नहीं। अरे डाटा एनालिटिक्स की जॉब तो आप ऑलरेडी कर रहे हो और इवन आपके पास मास्टर कंप्यूटर साइंस में, तो आपका वीजा किस प्रोग्राम में आएगा? आपका वीजा आएगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, जो कि आईटी सेक्टर में है। आप कह सकते हो कि जी मेरे पास ये सारी चीज, अब आपको ये तो रेलिवेंट ही नहीं है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आपको रेलिवेंट बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने एमटेक कर ली, आपके पास कंप्यूटर का एक्सपीरियंस भी है, एमटेक भी है, सो यू कैन से मेरे पास आज एक्सपीरियंस भी है, नॉलेज है एमटेक की, बट आई एम लैकिंग इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या चीजें आते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कह दूं कि यार मुझे एक मैंने एक ऑफिस लगा रहा हूँ, ऑफिस में मेरे 200 पीसी का सेटअप करना है, तो मैं उसी को हायर करूंगा ना जिसके पास इस 200 पीसी के लगाने की प्रोजेक्ट की नॉलेज होगी, और दूसरा किसकी नॉलेज होगी? कंप्यूटर की नॉलेज होगी। अब आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज है, बट आप किस में लैक कर रहे हो? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। और पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। और उस दूसरी बात आपके पास करना जा रहा हूं, फंड्स की। आपने प्लस टू के बाद आप फंड, आपने एक साल दो साल का अपने प्रोग्राम ले लिया प्लस टू के बाद, एक साल की फीस भर दी, एक साल का जीएससी कर दिया, चाहे आप एसटीएस में लगा रहे हो स्टिल जे रिजेक्ट कर देंगे। आप आपके एक साल की फीस आ गई, एक साल का जीएससी आ गया, तो नेक्स्ट ईयर का क्या? फंड भी नहीं लगा रहे आप, साथ में आईटीएस भी नहीं लगा रहे, ठीक है। तो फंड वो कहता है वीजा ऑफिसर, कहीं ऐसा ना हो कि स्टडी वीजे के मामले में कहीं आपकी फैमिली बैंकक्रप्ट हो जाए, वो चीज गौर करते हैं। मैं ये थोड़ी कहेंगे कि मैं वहां पे जाके कमा के फिर फीस भर दूंगा, राइट? तो ये चीज आपको नोटिस करनी पड़ेगी, वहां पे साथ में फंड भी शो करना पड़ेगा और साथ में आईटीआर अपने मदर और फादर की लगानी पड़ेगी,
5-5 लाख की, अगर 5 लाख फादर 5 लाख मदर, तो 10 लाख की आईटीआर होगी। मतलब कि 10 लाख एक साल में कमाते हो, एक साल की फीस आपने ऑलरेडी भर रखी है, एक्सपेंसेस भी जीएस क्या कर रखा है, नेक्स्ट ईयर वो 10 लाख आपका खर्चा उठा लेंगे, बट उनके पर्सनल खर्चे भी हैं और आपका जीआईसी भी है। तो दैट इज वाई आपको मिनिमम फंड उसके अकॉर्डिंगली शो करना पड़ेगा। तीसरी बात आ जाती है आपकी रिप्रेजेंटेशन की। अब जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये रिसर्च वीजा ऑफिसर कहता है कि मुझे पता तो चले जिस स्टूडेंट ने रिसर्च कितनी की है, कहीं ऐसा तो नहीं भागा दौड़ी एक के पीछे एक कैनेडा स्टडी वीजा। वो रिसर्च आपको डालनी होती है। आज आप 30-35 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो स्टडी का, आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट वीजा ऑफिसर को बताना पड़ेगा कि मैं इंडिया जब आऊंगा तो मेरा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगा, आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगा, आपकी जॉब कौन सी लगेगी, आपकी जॉब की पे कितनी होगी, कितना सैलरी पैकेज होगा एनुअली, आप ये 25-30 लाख कितने टाइम में रिकवर कर लोगे। दीज थिंग्स जो आपको मस्ट है कि आपको अपने कवर लेटर में बतानी पड़ेगी वीजा ऑफिसर को, नहीं तो आपका वहां पे जाके रिजेक्ट हो जाएगा, चाहे 8 मैड है, ठीक है जी। तो ये चीज आपको गौर रखनी पड़ेगी जब आप एक स्टडी वीजा अप्लाई करते हो। और भी बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि आपने बस स्टडी वीजा अप्लाई कर दिया, डॉक्यूमेंट इकट्ठे करके बस ऑनलाइन अपलोड कर दिए, फिर वीजा नहीं आता, फिर आपका रिजेक्ट आता है, चाहे 8 मैड है चाहे 80% है, ठीक है जी। और जब आप आ जाते हैं ना, जो इनका वीजा आता है जो इतने कम नंबर होते हैं, 50% नंबर होते हैं, और कह देते हैं कि जी नंबर कम वालों का वीजा नहीं आता, चाहे 45% नंबर है आपके, स्टिल वीजा आएगा ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उन्होंने कहीं पे भी नहीं देखा कि अगर आपके नंबर कम है आपको वीजा नहीं देगी। बस प्रोग्राम वाइजली चूज करो, प्रोग्राम सिंपल चूज करो, ठीक है जी। सो यही चीज है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप प्रोफाइल भी असेसमेंट करवा सकते हैं, कवर लेटर, जो भी चीजें आप, मेल आईडी आपको नीचे मिल जाएगी वहां पे कर सकते हो, और कमेंट सेक्शन में भी आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हो, स्टाफ के साथ नीचे दिए गए नंबर पे बात भी कर सकते हो। नमस्कार, सत श्री अकाल।